के लिए सब दिन तैयार थे। बातचीत का माहौल उन्होंने बिगाड़ा, माननीय हाईकोर्ट ने नोटिस देकर, और ये इस तरह का कि एक अपराधी से जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, इस तरह का व्यवहार करके उन्होंने बातचीत का माहौल बिगाड़ा है। बातचीत हम करेंगे, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक उन्होंने घंटों का प्रश्न कहा है, घंटों की बात नहीं है, तो एक जज करीब 300-350 मामले निपटाता है, 20 जज दो लगातार 10 सालों से कम है, तो वो उनका स्टाफ काम कर रहा है, स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं, क्या वो नुकसान नहीं हो रहा है? उस नुकसान को नहीं बता रहे हैं कि जो जिस नुकसान के लिए बार काउंसिल कह रही कि ये नुकसान हो रहा है कि 20 जजों का स्टाफ है, पूरा स्टाफ की तनख्वाह जा रही, सिर्फ जज भरने 20 जज, एक जज एक महीने में 350 प्रकरण निपटाता है, 20 जज 6000 प्रकरण महीने निपटाते, 10 साल से कितने प्रकरण, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं बता बता रहे, ध्यान नहीं बता रहे। अब दूसरी 16 जजों की पोस्ट आनी है, वो नहीं आ रही है। आपकी पेंडेंसी 3,12,000 है, और 3,12,000 में आप जनवरी महीने में 13,000 प्रकरण दायर किए, जिसमें 10,000 प्रकरण का आपने निराकरण किया, 3,000 बढ़ गए, तो हर महीने इस तरह से प्रकरण बढ़ रहे हैं, तो इसकी तरफ बार काउंसिल ध्यान दिला रही है, तो वो कह रहे हैं बार काउंसिल नुकसान कर रही है। कैंसर जब होता है तो अंग काटना पड़ता है, तकलीफ होती है, तो ये न्यायपालिका में कैंसर हो गया है, इसलिए इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन में थोड़ा बहुत कष्ट होगा। फिर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अब किसी वक्त मिल सकते हैं, जब कल ये बात निकल के आ रही थी कि आप लोग गए थे वापस आपको आना पड़ा था, और जब उनकी तरफ से ये बात आई किसी वक्त कभी भी आप आ सकते हैं। पहले न्यायपालिका अपना हंटर दिखाना बंद करे, हंटर दिखाना जब बंद कर देगी तब बातचीत का माहौल होगा। हम बातचीत, हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वारंट के साए पे बातचीत करें।